एवरेज फैमिली से है ठीक है। पहला काम आपका मन है, शौक है, मेरी एक स्कूटी हो। क्या मैं मैसेज किया था, दीदी हमारा जो जोशी मठ है ना वो बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं फाइनली कलर चूज कर रहा हूँ। अरे बैठी गाँव तो देख लो, मठ करके डालो। और सान मैं गुस्से में देखो अपना सारा सामान पैक कर रहा था। कंफ्यूजन के बाद मैंने दो चीज डिसाइड किया है, तो मैंने सोचा व्लॉग करके आपको भी बता देता हूँ। नाइट्रॉक्स और दूसरी है यामा, मेरी हमेशा से फेवरेट एरोक्स 155 है ना डाइडू। तो अभी जाते हैं, तो जैसा जैसा होगा आप मेरे साथ तो देखते रहे ना क्या क्या हो रहा है। और मेरे को बताया, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बोलने वाला कितना कंफ्यूजिंग इंसान हूँ मैं। हूँ यार थोड़ा, मतलब हूँ थोड़ा 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 नहीं बहुत हूँ। चलो अब मजाक के बिना चलते हैं। मैंने दाइदा की बात नहीं मानी, खुद की बात मान रहा हूँ। अब पैसा पैसा भी तो लेना होता है, बिना पैसे के काम नहीं चलता। सो आर्जेंट दाइदा मेरे को बार बार लावर लावर बोलते हैं, इनको क्या बोला जाए, हाथी या हाथी का बच्चा। बाय दादी, ये ले लो, ये लो, यहाँ बन जाएगी। हाँ यहाँ पे कर लूँगा। तो आज के साथ मुझे एक बारी लास्ट बारी में जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे आज शूट भी करना है। मैंने इंस्टाग्राम में कब से कुछ डाला नहीं अच्छा, तो हमको बुरा भी लगता है। और लाइफ में अप एंड डाउन चल ही रहे हैं यार, कुछ कभी क्या चल रहा है बताऊँ, आप तो कुछ काम नहीं करते हो मेरे को। कब से कह रहा हूँ मिलने, ये अच्छा लग रहा है यार, ये जैकेट मिला हमको आज। आज गुगू को ये मिला है नया बाल, ठीक है झबरू जैसे हो रखे तेरे। और बता मुझे चीज को पूरा लगा ना, सैटिस्फाइड स्पोर्ट्स। देखिए ये उनको स्मॉल, अभी अपनी कहानी सुनाएगी, रुको सुन के जाते हैं। अर्जुन जी डाइडा ने सुमन को भी ले जा रहे हैं अपने साथ। भले ही सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन ये बोल रही पास्ता खाया, सुबह 6 बजे उठा दिया था मुझे आज। मुझे 6 बजे उठा दिया था सुबह, बता। 6 बजे चली थी हमारी मीटिंग। ये क्या हुआ? अच्छा चलो चलो बेटा बैठो अंदर, चलो आज लेट्स गो। गुगू को भी दिखाता हूँ अपनी पसंद, देखते इसको मेरी पसंद कैसी लगती है। कब है क्या? दीपिका चौधरी लिखा कब है? हाँ, देखा ये चीज छोटी छोटी चीज ना मैटर करती है एक ब्रांड में। मेरा बात पर मुझे ना कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे ना ब्रांड से कुछ अच्छा बनना है। ये कितना है ब्रांड? तो मैंने तो ब्रांड ही बोला है। उसने निकाला इंटरव्यू तो डिजर्व ही है। इतना मतलब अंदर से तब नहीं हो रहा था जब मैं पेपर देने जाता हूँ ना, मेरे को आज गाड़ी में जा रहा हूँ ना, अंदर से ना अजीब हो रहा है। लड़ाई हो गई यहाँ ना, बहुत लड़ाई वाला माहौल है, हर जगह लड़ाई होती रहती है। कभी कोई किसी गाड़ी ठोक देता है, तो कभी कोई किसी को ठोक के चल जाता है, तो कभी कोई किसी को मारता है, तो कभी कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, तो कभी कोई किसी का कुछ 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 ना कुछ करता ही रहता है। क्या ही बताऊँ मैं, मेरे को ये खुद नहीं पता मैंने अभी क्या बोला, लेकिन बोल दिया। जो सच है वो एकदम फ्लो में ही निकलता है। देखो हमारे मास्टरमाइंड अंकल जी, प्रणाम। परेशान रहते हो यारे बेचारे भी, देखो ना दिन भर भाई इसमें इन चीज़ों में तो बहुत दिमाग खाली हो जाता है भाई, कितना गुस्सा आता है ना। ने हमें प्यार से निकलवाया लेकिन बहुत ज़्यादा देखा। गुगू को तो दिखा रहा हूँ ना अपनी पसंद, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। और डायडा का मानना ये है, क्या पता मेरे को वो दोबारा ही अच्छा ना लगे। कभी कभी ऐसा होता ऐसा है। मतलब डायडा के केस में ऐसा भी होता है। नहीं नहीं मत लग रही है। और आप कमेंट सेक्शन में बता दो दीपिका जी फोफट तो नहीं लग रही है यार। अब नहीं आएगा नहीं, जैसे पानी जैसी। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून, हाँ 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 अभी भी ये नहीं कर पाए ना फिक्स। ना ना ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए तो उनका जहाँ से हम स्कूटी परचेस कर रहे हैं। हाँ जी मैं आपको बता दूँगा, मेरे आपको दूसरा नंबर से। मैं कितना भी बुढ़ा हो जाऊँ मैं इन्जॉय करना कभी नहीं भूलूंगा ये लोग बुढ़े लोग।
जाओ, मुझे पसंद आई थी वो, ले गए भैया। लेट्स सी, मुझे स्वार्जन जो मेरे को पसंद आई थी तो भैया ले गए। मैं आपको दिखाता हूँ, यही है मुझे सबसे प्यारी भी, तो यही लगी है यार मुझे। क्या होता है, कैसा होता है, लेट्स सी। सो आर्जन ये लास्ट एक ही थी जो जा रही है। इसमें मेरे को ना एक चीज़ चेक करनी है, जो कि है मेरे पैर इसमें पहुँच रहे हैं या नहीं, मतलब ऑन रोड। अभी मैं चला के देखूंगा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ और की स्कूटी है, मैं भैया से बात करूँगा देखने के लिए, क्योंकि इससे बहुत कम पहुँचेंगे। अरे बैठी कहाँ हूँ वो तो देख लो। नहीं तो बैठता है, हाँ बैठते। वो देखो टेप कितना पहुँच रहा है। नहीं पहुंचेगा वहां, बैठ के थोड़ी चलती है गाड़ी। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे इजी इजी है भैया, भी हाँ बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, मेरे को तो लग रही है बहुत प्यारी, और मैं ये फाइनल कर रहा हूँ यार, आज कर दू। अभी देखते हैं, बात करते हैं दूसरे को। ये जब पलटेगा तो ये पलटेगा। मंजी को अच्छे बोल रहे कि ये नहीं चला पाएगी, मैं चला लूंगा ना। डाइडा ना मेरे को चाह रहे, मैं लू ही ना करके। मैं ऐसा नहीं है। हाँ तो मैं तो कर लूंगा तुरंत तुरंत। दी मेरे को कलर दिखा दो एक बारी। अर्जेंट मैं फाइनली कलर चूज कर रहा हूँ, ब्लू। यही थी जो बाहर थी ना, ये वाली नहीं थी। एक ये वाइट है, ये वाला एक ये बाहर वाला था मॉन्स्टर। कलर ज़्यादा पॉपअप इसमें होता है। अच्छा, मतलब सारा दिखता है जो मुख वगैरह, बाकी नहीं। और यदि सारा थोड़ा कॉमन सा नहीं है, मतलब बहुतों पे होता है। हाँ, मतलब व्यू वगैरह में थोड़ा कॉमन सा है। जो गाड़ी मुझे पसंद आई थी उसमें कलर आने में एक मंथ लगेगा, तो अब मैं थोड़ा डिसीजन चेंज कर रहा हूँ। अब मैं शायद इस पे जाऊँगा, लेकिन अभी घर बदल रहा है, मेरा दिमाग खुश हो रहा है। हाँ सर, मैंने एक चीज़ नोटिस की ना, अगर मैं अपनी स्कूटी को 10,000 रुपए भी लगाता हूँ ना मॉडिफाई में, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाएगी ना। वही मैंने एक चीज होने की, नहीं तो मेरा मन तो अभी भी वही है। देख, हम एवरेज फैमिली से है, ठीक है। पहला काम आपका मन है, शौक है, मेरी एक स्कूटी हो, बहुत अच्छा शौक है, इसमें हम आपके साथ है। अब आपका दूसरा शौक है, मुझे टॉप स्कूटी चाहिए, स्पोर्टी, हम इसमें भी साथ है। एक्टिवा वेक्टिवा नहीं दिला रहा मैं, ये होती है वरना तेरे लाइक प्लीजर 70,000 ये एक्टिवा। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसी गाड़ियाँ लो, स्पोर्टी चाहिए, स्पोर्टी लो, ये होंडा डियो 70,000 की, 80,000 की स्पोर्टी लो। लेकिन आपके ख्वाब जा रहे हैं फुल पावर वाली में, सबसे महंगी इंडिया की, वो भी ले सकती हो अपनी जरूरत के हिसाब से। वो देखो ना, डोप शीट है ब्रदर, ये तो कलर अलग है। सीट भी डबल वाली लगाएंगे ना 45। चलो तो सही प्राइस देखो, रेस एडिशन तभी तो दिखा रहा हूँ। चलो आरटीएस में लास्ट नाइट रॉक्स देखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आरटीएस ने भी इसलिए भी माना ना, आरटीएस ने मुझे आज कमेंट्स करके बताया था, आरटीएस ने कि नाइट रॉक्स काफी अच्छी है। और यार कुछ पसंद नहीं आया। आरटीएस गुड मॉर्निंग, होप सो आप सब अच्छा होएगा। लेकिन आरटीएस मैं ना एक चीज सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, शायद काफी मेरी आरटीएस को भी नहीं पता होगा ये चीजों के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आर्टेंस अब सब मेरी लाइफ से जुड़ा है ना, ऐसी कल मेरी लाइफ से जुड़े जो कुछ आर्टियंस हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, दीदी हमारा जो जोशी मठ है ना वो बिल्कुल सेफ नहीं है। तो जब ये वीडियो भेजी ना, एक और रोना आ गया था, देखो ना। क्या
डर डर के रहते हम, बट जब हम चलते तो पूरा घर हिल रहा है। और देखो अब इन्होंने जहाँ पे इतनी मेहनत से वो मकान बनाया है वहाँ पे तो पैसे लगे होंगे ना, ज़रूरी नहीं नहीं यार, हर कोई मतलब अमीर ही होता है किसी पे, अब हर कोई अपना एक मकान पे सब पैसा लगा देता है, किसी को बच्चों को भी पढ़ाना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं हर किसी पे पैसा हो। तो आर्टियंस मैं यही सोच रहा हूँ मतलब क्या होगा कैसे होगा, तो जो मेरी आर्टियंस बहुत अपसेट है तो उन्होंने मुझसे हेल्प ये मांगे कि आरती दीदी अगर आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो हमारी जोशी मठ के लिए तो प्लीज़ आप ज़रूर करना। तो बस मेरे को अगर मेरे से इतनी भी हेल्प हो रही है तो मैं क्यों ना करूँ आर्टियंस, इसलिए मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। आपको कोई भी इंस्टाग्राम में ये पोस्ट वगैरह मिल रही हैं दिख रही हैं तो आप प्लीज़ उन सबको शेयर करो और हैशटैग शेव जोशी मठ करके डालो, और साथ हैं हम सब साथ में करेंगे, और बस डोंट वरी जब हम सब साथ हैं तो कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। आर्टियंस आज ना मेरे घर में ना इनसे और इनसे बहस हो गई थी ना, तो ना मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है मैं क्या लेने जाऊंगा, और ये मेरे को पार्टी दे रहे हैं पिज्जा पार्टी, क्योंकि मैंने आज बहुत हल्ला किया, बहुत तेज तेज चलाया ना, तब लड़ाई हो गई थी ना मेरी, तब छोटी सी बात में बहस भी हुई और वो बहुत बढ़ गई उस चीज़ में ना, तो फिर क्या होता है ना, तो ये मेरे को मनाते हैं ना, तो अब पिज्जा लाए तो अब जो भी आ गया होगा मैं आपको बताता रहूँगा, मैं थोड़ा लड़ाकू भी हूँ ना, थोड़ा लड़ जाता हूँ मैं गुस्से में, देखो अपना सारा सामान पैक कर रहा था पर फिर इन्होंने मेरे को मनाया ये देखे, तब मैं थोड़ा मान गया हूँ ना अभी, तो मैंने सोचा मैं आपको बताता हूँ मैं लड़ाकू भी हूँ लड़ता भी हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, चिल्लाता भी हूँ ना, सब कुछ करता हूँ, कभी कभी हो जाता है, आप भी करते हो कभी कभार, लेकिन ये मेरे को बहुत समझते हैं ना। ये तो हमारा पिज़्ज़ा दाई दा तो गुच्छा है मेरे से आज नाना तो बिठ रहा है टुन्नू का टाइम हो रहा है, रुको हाँ बता रही दिख नहीं रहा सब मिलके, ये तो हमारा प्यार है। अच्छा अच्छा डाइडा यार कभी कभी मैं इतना खुश फील करता हूँ ना, मेरे को कितनी अच्छी फैमिली मिली है ना, मुझे इतना प्यार करते हैं, मैंने लाइफ में इतना पेटू नहीं देखा, नाराज मैं हो रहा था, मेरे को मनाना था। ये देखो अब मम्मी भी आ रही है, कल तो कल ही लूंगा, पता नहीं क्या लूंगा, मेरे घर वाले तो मुझे परेशान हो गए होंगे, लेकिन शैतान दो पर मैं इनको प्यार भी करता हूँ बहुत, इन्हें खुश भी रखता हूँ, और आपका भी तो